नमस्कार मित्रों, मैं रवि। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल R&R अपना मोदी केयर में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज एक जबरदस्त टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूँ, जिसको हम बोल सकते हैं मासिव सक्सेस कैसे हमें मिलता है। वो मिलता है आपको 596 सिस्टम होता है, जिसके तहत हमको इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में हमें मासिव सक्सेस मिलता है। तो उस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों प्लीज एक भी स्टेप्स आप मिस मत करिएगा, और डेफिनेटली इस मतलब स्लाइड के बाद आपको बहुत ही वैल्यूएटेड होने वाला है आपके इस बिजनेस के लिए। दोस्तों, तो फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के जबरदस्त वीडियोस मैं आप सभी लोगों के लिए लाता रहूं। दोस्तों दोस्तों 596 सिस्टम, जो मासिव सक्सेस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो 5 रिप्रेजेंट करता है दोस्तों स्टेप सक्सेस प्रोसेस। तो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो सक्सेस स्टेप है, 5 स्टेप्स जो है, जो शुरुआती दौर पे होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और 9 कोर एक्शंस हैं, और जिसको हम कोर प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, जिसको लाइफ लाइन ऑफ योर बिजनेस, हम इस बिजनेस का लाइफ लाइन मानते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और थर्ड है आपका 6, 6 रिप्रेजेंट करता है बिजनेस वैल्यूज के बारे में, वो हम 6 बिजनेस वैल्यूज क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम 1-to-1 बात करते हैं इस सिस्टम को। फर्स्ट जो होता है आपका 5 स्टेप ऑफ सक्सेस प्रोसेस। तो सक्सेस प्रोसेस का 5 स्टेप्स क्या है? फर्स्ट होता है दोस्तों लिस्ट बिल्डिंग एंड सिलेक्शन। तो जैसे कि इस बिजनेस का थंब रूल ये है कि सी मोर पीपल, सी मोर पीपल, सी मोर पीपल, लॉ ऑफ एवरेज एंड इम्प्रूव योर एवरेज। तो हमको क्या करना है, सी मोर पीपल में हमको फर्स्ट अपना लिस्ट बिल्ड करना है, और उस लिस्ट को बनाते जाना है, और उसमें से सेलेक्ट करके हमको जो भी है उनसे हम इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं। तो फर्स्ट लिस्ट बिल्डिंग हो गया, और सेकेंड आता है आपका अप्रोचिंग योर लिस्ट एंड सिक्योरिंग अपॉइंटमेंट। तो हमको उस लिस्ट से अप्रोच करना है अपने प्रोस्पेक्ट से, और उनका अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट लेके क्या करेंगे, थर्ड आता है शेयर शेयरिंग एंड अपॉर्चुनिटी। तो हमें अपने बिजनेस के बारे में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में हमको उनसे शेयर करना है, और क्या कहते हैं उसके बाद फोर्थ आता है फॉलो अप थ्रू द सेल्स क्लोजिंग। तो दोस्तों, हमने किसी से बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर की, और उसको हम फॉलो अप करते हैं, फॉलो अप करके स्पॉन्सर करते हैं। स्पॉन्सर करने के बाद हमको वहीं पे रुक नहीं जाना है कि मेरा टीम बन गया, उसके बाद हमारा काम खत्म नहीं होता है, हमको उससे फॉलो अप करते ही रहना है। जैसे कि हमने किसी को स्पॉन्सर करके जैसे ज्वाइनिंग कराया, उसके बाद हम उसको मीटिंग्स में इनवाइट करते, जैसे शुरुआत का मीटिंग हुआ, परिवर्तन का मीटिंग हुआ, और जैसे कोई हम लोग का मॉर्निंग सेशन चलता है उसमें हम उनको इनवाइट करते हैं। फिर हम उनको फर्स्ट ऑर्डर के कराते हैं, उनका फर्स्ट ऑर्डर कराने के बाद उनको हम लॉयल्टी के बारे में बताते हैं, लॉयल्टी बताने बताते हैं, तो जिससे उनको हम बेनिफिट दिखाते हैं लॉयल्टी का, क्या बेनिफिट है, जिससे कि आपको प्रोडक्ट कैसे आप 50% कम में आपको पड़ता है, वो हम उनको बाई डिटेल बताते हैं। और एवरी मंथ हम उनको उनके जो भी सेकेंड लेवल के लिए, जो भी टाइटल के लिए क्या क्राइटेरिया है क्या, और वो करके और बेनिफिट ले सकते हैं इस बिजनेस, उनको हमें शेयर करना है। और दोस्तों फिफ्थ आता है राइट टेक ऑफ फॉर द न्यू एसोसिएट। तो जो हमारे न्यू एसोसिएट्स हैं उनको हमको स्टार्ट अच्छा दिलाना है, ताकि उनको स्टार्ट में ही अगर रिजल्ट दिखता है तब उनको इसमें बिलीफ आता है, और जिस भी काम में बिलीफ अगर इन्वॉल्व हो जाता है, 100% बिलीफ हो जाता है, तो उसको वो अच्छे से प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो जैसे ही हम किसी न्यू बिगिनर को या न्यू कंसल्टेंट को हमने इसमें अपॉइंट किया, तो हम उनको फर्स्ट, हमारा फोकस होता है फास्टर 10% स्टार्टअप के बारे में बताना, ताकि वो फर्स्ट मंथ ही फास्टर 10% करके वो प्रोडक्ट का भी बेनिफिट ले सकते हैं, और एक टीम बिल्डिंग के लिए भी उनके लिए स्टेप अच्छा रहता है। फिर उसके बाद हम उनसे बात करेंगे डायरेक्टर के लिए, डायरेक्टर के लिए उनको कितना अभी बिजनेस चाहिए, उनको क्या टीम करना है, कैसे टीम 25 बनाना है, कैसे राइट स्ट्रक्चर को फोकस करके काम करना है, और आने वाले समय में भी हमारे मोदी केयर में अच्छे अच्छे प्लान आते रहते हैं, जिससे कि हम उस प्लान को, उस ऑफर को लेके हम अपने टाइटल को जंप कर सकते हैं, और अपना लेवल अप कर सकते हैं, और अपने जो बिगनर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, उन सबको हम सक्सेस दिला सकते हैं। तो ये 5 स्टेप्स है जो सक्सेस प्रोसेस के बारे में फ्रेंड्स। उसके बाद आता है 9th
फोर प्रिंसिपल्स, नाइन फोर एक्शंस, नाइन फोर प्रिंसिपल्स, जिसको कि हम लाइफ लाइन ऑफ बिजनेस कहते हैं। इस बिजनेस के बारे में तो उसमें हम बात करते हैं। फर्स्ट होता है दोस्तों, शेयर एटलीस्ट वन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन डेली। तो दोस्तों आपको एक प्रेजेंटेशन डेली करना है, आपको एक प्रेजेंटेशन या एक बिजनेस में मतलब होम मीटिंग आपको डेली करना है। डेली किसी न किसी से इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है, फर्स्ट कोर प्रिंसिपल कहता है। और सेकंड कोर प्रिंसिपल कहता है ऐड वन नेम इन योर लिस्ट। आपका जो प्रॉस्पेक्ट लिस्ट है उसमें आप डेली मिनिमम एक लोग का नेम ऐड करें। जैसे कि हम एक से बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं और एक को हम अपने लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, तो वो मेंटेन हो रहा है। तो हमारे पास कभी ऐसा नहीं आपके सामने आएगा कि हमारे पास मैं किससे बात करूं और किससे आपको बात करना है। आपने शुरुआत के प्रेजेंटेशन में देखा होगा, आपको फ्रेंड वर्ड से आपको हिंट मिलता है, आपको फ्रेंड से बात करना है, रिलेटिव से बात करना है, नेबर से बात करना है, आपके इंडस्ट्रीज में साथ काम करने वाले उनसे बात करना है, आपको स्ट्रेंजर से बात करना है, आपके ई कॉन्टेक्ट्स जितने हैं, जो फोन डायरेक्टरी है, उन सब जितने भी लोग हैं उनसे बात करना है, क्योंकि ये बिजनेस ही क्या है, लोगों का बिजनेस है। तो दोस्तों उसके बाद आता है थर्ड, 100% प्रोडक्ट सर्विस यूज। तो आप जिस भी कंपनी में है, जो भी प्रोडक्ट बेस है, सर्विस बेस है, तो अगर हम उसको अप्लाई करते हैं, खुद अपने पे यूज करते हैं, तभी हमको प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस आता है, उसकी सर्विस पे कॉन्फिडेंस आता है। तो हमें 100% सेल्फ यूजर बनना है। तो उसके बाद फोर्थ आता है कोर प्रिंसिपल में, अटेंड वीकली हॉल मीटिंग विद द गेस्ट। मतलब इसको हॉल मीटिंग कह सकते हैं, जूम मीटिंग भी कर सकते हैं। तो इसको हमें क्या करना है कि एवरी वीक अपने गेस्ट के साथ हमको मीटिंग में कनेक्ट करना है, मीटिंग में उनको ऐड करना है। अटेंड ऑल प्रोग्राम मीटिंग विद टीम, जो भी हमारे कंपनी के प्रोग्राम होते हैं, मीटिंग होते हैं, उनको हमें अटेंड करना है, ताकि उनको टाइम टू टाइम उनको इंफॉर्मेशंस मिलती रहे। और सिक्स आता है फ्रेंड्स, रीड रिकमेंडेड बुक, वॉच रिकमेंडेड वीडियोस डेली फॉर 30 मिनट्स। तो एक गुड हैबिट है, जो कि क्या कहते हैं, बड़े बड़े सक्सेसफुल जो लीडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उन लोगों का एक गुड हैबिट माना जाता है कि बुक रीड करना। और हमारे पास कई सारे बुक्स हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बुक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, पढ़ के सीख के उससे हम अपने सिस्टम को अप्लाई करके अपने बिजनेस को हम सक्सेसफुल बना सकते हैं। और साथ में ही हमारे सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर की वीडियोज़ हैं, डेमोन्स्ट्रेशन है, उन सबको आप डेली कम से कम 30 मिनट अपने स्किल को डेवलप करने में लगाइए। क्योंकि बिना स्किल्स के, बिना नॉलेज का, हम अगर किसी भी फील्ड में जाते हैं तो हम उसमें सक्सेस नहीं होते। पहले हमें अपनी स्किल्स डेवलप करनी है और अपने आप को उसके एक काबिल बनाना है, ताकि हम उसको अच्छे से सक्सेसफुल बिजनेस बना सके। तो एटलीस्ट वन, उसके बाद सेवेंथ आता है एटलीस्ट वन स्पॉन्सर एवरी वीक। आपको फोकस करना है कि आपको हर हफ्ते एक स्पॉन्सर जरूर करना है, ये कोर प्रिंसिपल में आता है दोस्तों। और मंथली काउंसलिंग विद अपलाइन, आपको अपनी काउंसलिंग, अपनी टीम की काउंसलिंग अपने अपलाइन के साथ करना है मंथली, की आपकी टीम में जो भी लीडर्स हैं उनको फोकस करके, उनका जैसे हम लोग गोल सेटिंग करते हैं, गोल सेटिंग करके उनको हम काउंसिल करते रहते हैं मंथली। और एड मिनिमम 2 प्रोडक्ट कस्टमर एवरी मंथ। तो हमें क्या करना है, मिनिमम 2 कस्टमर एवरी मंथ हमें न्यू ऐड करना है, क्योंकि ये बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में हमको रिटेलिंग भी करना है। तो जैसे क्या होता है कि जैसे कई हमारे फ्रेंड्स का रहता है कि हम 100 PV कैसे करें, हमारे पास केवल दो ही लोग हैं, इतना प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं होता है। तो उस केस में दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, अगर सपोज आपके पास 10 रिटेल कस्टमर हैं, तो अगर एक ने 500 का भी अगर प्रोडक्ट परचेज किया, तो अगर आपने 10 को अगर सेल किया हर मंथ, 10 को सेल किया, आपका 5000 हुआ। 5000 तो जो जिसका कि पीवी में अगर देखते हैं तो 100 PV होता है, तो 100 PV का प्रोडक्ट तो आपने सेल कर दिया इजली, आसानी से। तो इसको आपको मतलब अप्लाई करना है अपने आप में, और जिससे कि आप 100 PV इजली कर सकते हैं। तो 100 PV भी करना है, और हमें क्या कहते हैं, 2 न्यू कस्टमर्स एवरी मंथ आपको ऐड करना है। तो ये था 9 कोर एक्शंस के बारे में, कोर प्रिंसिपल्स के बारे में दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा 6 बिजनेस वैल्यूज। तो ये बिजनेस वैल्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
इस कई बार हम सब करते हैं, बट इसको अगर फोकस नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको चैलेंजेस देखने को मिलता है। तो दोस्तों फर्स्ट आता है नेवर मेस विथ पीपल्स मनी ईगो एंड और फैमिली। तो हमें किसी भी डाउनलाइन अपलाइन या किसी भी पीपल से हमें क्या कहते हैं उसकी मनी को मिसयूज नहीं करना है, उसका ईगो नहीं हर्ट करना है, उसके फैमिली को हमें हर्ट नहीं पहुंचाना है। तो जैसे क्या होता है दोस्तों, अगर हमने जिस काम के लिए पैसा लिया हमको उसी काम में लगाना है, और जिस भी चीज के लिए मतलब कमिटमेंट किया है वही उसको फुलफिल करना है। जैसे हमने मान लीजिए डीपी में गए, उसका कोई प्रोडक्ट परचेज हुआ, उस प्रोडक्ट की जगह जो वैल्यू है हमने उसको मतलब दूसरे रूप में उसको दे दिया, तो इस तरह से नहीं करना है। और उसके बाद सेकेंड आता है फ्रेंड्स, नो अकाउंट बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। तो जो भी अपलाइन और डाउनलाइन है उनके बीच में पैसे का लेन देन मतलब अकाउंट ट्रांजेक्शंस करना नहीं चाहिए। दोस्तों होता क्या है कि रिश्ते बनाने में तो बहुत टाइम लगता है, बट बिगड़ने में कहीं ना कहीं मैक्सिमम रीजन होता है पैसे का। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हम अपना एक अच्छा फ्रेंड होते हैं और साथ में अपना पैसा भी जाता है। तो इस वैल्यू को जरूर ध्यान में रखें कि कभी भी मतलब अपने अपलाइन या डाउनलाइन में अकाउंट का ट्रांजेक्शन ना करें, पैसे का ट्रांजेक्शन ना करें, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। हाँ कहीं पे होता है थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं तो वो चलता है, बट क्या होता है अगर आप किसी को एवरी मंथ जैसे हुआ कि ऑर्डर कर दिया, प्रोडक्ट ला दिया और पैसा क्या कहते हैं नेक्स्ट मंथ देंगे नेक्स्ट मंथ देंगे, ऐसे ऐसे करके अगर पैसा आपका ब्लॉक होता जाता है, तो फिर वो पैसा ही ऐसा होता है कि जिसकी वजह से आप एक अच्छा लीडर, एक अच्छा मित्र और इस बिजनेस के लिए जो और ऊपर है उसको आप होते हैं, आपका पैसा भी लॉस होता है। तो नो अकाउंट ट्रांजेक्शन बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन वैल्यूज का हुआ। और थर्ड वैल्यूज क्या कहता है, कंसल्ट योर अपलाइन बिफोर डूइंग एवरीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आप अपने अपलाइन से जरूर कंसल्ट करें जब भी आप कुछ नया इस बिजनेस में करने जाते हैं। और फोर्थ आता है नेवर टॉक निगेटिव अबाउट योर अपलाइन कंपनी टीम इन फ्रंट ऑफ योर डाउनलाइन। तो बहुत ही जरूरी चीज है फ्रेंड्स, हमें कभी भी अपने डाउनलाइन के सामने अपने अपलाइन का, कंपनी का, टीम का, प्रोडक्ट का, किसी का भी निगेटिव टॉक नहीं करना है। और निगेटिव टॉक इस बिजनेस को क्या करता है, स्पॉयल कर देता है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी निगेटिव इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हमेशा निगेटिव बात करने, उनसे हमें अवे रहना है, उनको अवॉइड करना है, क्योंकि हमें अपना एनवायरनमेंट पॉजिटिव बनाना है। और उसके बाद आता है फिफ्थ, अवॉइड अननेसेसरी इंटरेक्शन विथ योर क्रॉस लाइन एंड अदर निगेटिव इन्फ्लुएंसर्स। तो दोस्तों वही बात हुआ फिर से, यहाँ पे जितने भी मतलब निगेटिव इन्फ्लुएंसर्स हैं अननेसेसरी इंटरेक्शन हमें नहीं करना है। क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन मतलब सपोज दैट हम जिस मतलब टीम से जुड़े हैं, सपोज दैट मैं गोपाल चंद साहू सर की टीम से जुड़ा हूँ, तो मे बी और भी लोग मोदी केयर करने वाले होंगे या और भी कोई बिजनेस करने वाले होंगे, तो हमें वो उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन अननेसेसरी मतलब तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। और उससे क्या तर्क वितर्क करते हैं तो वो आपस में इंटरेक्शन अच्छा नहीं रहता है। तो क्यों, ये बिजनेस कैसा है, टीम का बिजनेस है, आपको कम्युनिकेशन बना अच्छा करना है, अपना रिलेशन अच्छा करना है, रिलेशन को ब्रेक नहीं करना है, तो इसलिए इस चीज़ से बचना है। और रेगुलर कम्युनिकेशन बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन, आपको अपने अपलाइन डाउनलाइन के साथ हमेशा रेगुलर कम्युनिकेशन बना के रखना है, मतलब तार से तार जोड़ के रखना है, जिससे कि आपका कनेक्शन वीक ना हो और आपको हमेशा अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में हमेशा अपडेट मिलता रहे। और दोस्तों मतलब 100% है कि जितने भी इस बिजनेस में आपका अपलाइन है, जो आपका अपलाइन है, अपलाइन आपका एक ट्रू फ्रेंड की तरह है, आपके साथ 24/7 आपके साथ अवेलेबल होता है, आपके सुख में दुख में आपके साथ ही होता है। और जैसे कि बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट पर्सन हैं और जो सुपर स्टार एक्ट्रेस हैं, इन सब के पास क्या होता है, कोच होता है, मेंटर होता है, जिसके लिए ये बहुत सारे फीस पैसा उन लोगों को देते हैं, उनकी मंथली फीस होती है, अपॉइंट किया जाता है। बट थैंक गॉड कि हमारे पास अच्छे से अच्छे लीडर हैं, मेंटर हैं, जिनको कि
जिनको कि हम क्या करते हैं, कुछ भी पे नहीं करते हैं, कुछ भी पे नहीं करते, वो एज ए ट्रू फ्रेंड हमारे साथ 24/7 लगे होते हैं और हमको अच्छा गाइडेंस देते हैं, अच्छा हेल्थ सपोर्ट देते हैं। तो ऐसे लीडर्स के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आप इस जो आज का टॉपिक था इसके बारे में क्या कहते हैं, इस समझा होगा, जाना होगा। और फ्रेंड्स उम्मीद, तो फ्रेंड्स ये था आज के प्रेजेंटेशन के बारे में और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। और इन सब स्टेप्स को आपने, जो आप 5 सक्सेस प्रिंसिपल्स आपने देखा उसको, और 9 कोर प्रिंसिपल्स एंड 6 बिजनेस वैल्यूज को आप अपने में अप्लाई करिए, अपने टीम में अप्लाई करिए और इसके इमेजिन को आप देखिए कि कैसे ये आपके बिजनेस को ग्रोथ करता है और आपको कभी भी कोई ऑब्स्टिकल नहीं आने देगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर किसी भी तरह का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस बिज़नेस के बारे में या इस जो भी हमने वीडियो बनाया है उसके बारे में, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एवरीवन।